इन तीन के अलावा कुछ याद नहीं करना, बाकी आपने 26 में पढ़ रखे हैं। चलिए नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेम, हम स्टेम की बात करते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम की बात कर लेते हैं। चलिए तो मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम की अगर हम बात कर लें, चलिए यहां से देखते हैं एक एक करके। मोनोकॉट स्टेम हो गया और आपका डाइकॉट स्टेम हो गया। स्टेम से बारे में सारे करेक्टर्स मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे आपने, एनाटॉमी में जनरल डिफरेंस देखते हैं। चलिए बात करते हैं एपिडर्मिस से, दोनों में एपिडर्मिस से कोई बात ही नहीं है, दोनों एपिडर्मिस से, दोनों ही प्रोटेक्टिव नेचर की है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पढ़े हमने। डिफरेंस क्या आया, इन केसेस ऑफ डाइकॉट स्टेम ट्राइकोम्स आर देयर, ट्राइकोम्स एपिडर्मल हेयर, डाइकॉट स्टेम में आपको ट्राइकोम मिलेंगे। कौन मिल रहे हैं, स्टेम हेयर ट्राइकोम, जो कि कैसे है मल्टी सेलुलर। मोनोकॉट स्टेम में आपको ट्राइकोम नहीं मिलेगा। एक पहला डिफरेंस हो गया कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या, कि इनके साथ डाइकॉट मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स आ गया, शूट हेयर्स हैं, लेकिन आपके मोनोकॉट में स्टेम्स आपके शूट हेयर नहीं मिलेंगे, पहला डिफरेंस। ठीक है, एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं। एपिडर्मिस के नीचे किसकी बात हो रही है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, इन किसो हाइपोडर्मिस अगर मैं ले लूं तो आप जानते बड़ा कि इन हाइपोडर्मिस जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, हमने कहा था आउटर पार्ट जो है वो हाइपोडर्मिस है और इनर पार्ट ऑफ एंडोडर्मिस भी से जनरल कॉर्टेक्स। तो इन किसो मोनोकॉट स्टेम हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस व्हाइल इन डाइकॉट दिस इज कोलेनकाइमेटस। मोनोकॉट में ओवरऑल कोलेनकाइमा एब्सेंट होती है, मोनोकॉट में रूट शूट लीफ कहीं भी कोलेनकाइमा होती ही नहीं है, इन डाइकॉट कोलेनकाइमा इज देयर। क्लियर, डाइकॉट के रूट में भी कोलेनकाइमा नहीं होती, यानी वहां भी रूट में किसी की भी रूट में कोलेनकाइमा नहीं होती, बिकॉज कोलेनकाइमा इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, और रूट कंप्लीटली फिक्स होती है सॉइल में, देयर इज नो नीड ऑफ एनी फ्लेक्सिबिलिटी। गेटिंग, सो मैंने कहा इन केसेस ऑफ मोनोकॉट जो इसकी हाइपोडर्मिस है वो कैसी है, हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस। तो हाइपोडर्मिस आपकी कैसे मिलेगी, दिस इज स्क्लेरेन काइमेटस। व्हाइल इन केसेस ऑफ हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट की जो हाइपोडाइकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है दैट विल बी कोलेनकाइमेटस। कैसे मिलेगी आपकी इसकी हाइपोडर्मिस, कोलेनकाइमेटस। तो इसकी जो हाइपोडर्मिस में यहां लिख देता हूं, कोई बात नहीं, जो ग्रीन कलर से मैं बना दे रहा हूँ, तो हाइपोडर्मिस जो है जो आपकी व्हाइट कलर से पूरा बनाया है उन्होंने, हाँ लिखा है कोलेनकाइमा, नो प्रॉब्लम्स। ठीक, हाइपोडर्मिस कैसे हो जाएगी इसकी, कोलेनकाइमेटस। इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम दिस इज कोलेनकाइमेटस, और इन केसेस ऑफ मोनोकॉट स्टेम दिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस। एक चीज प्रोटेक्टिव नेचर की, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद में अब उसके नीचे आ जाओ जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स। इन केसेस ऑफ मोनोकॉट यू कैन सी है इन मोनोकॉट ड्यू टू द स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, ड्यू टू स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल नो जनरल कॉर्टेक्स इज देयर, जनरल कॉर्टेक्स एब्सेंट। जनरल कॉर्टेक्स जो था दिस इज पैरेन्काइमेटस इन नेचर, फूड स्टोरेज, वाटर का कंडक्शन, इस सारे काम है। सो इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम आप लिख सकते हैं कि जनरल कॉर्टेक्स एब्सेंट बट पैरेन्काइमेटस ग्राउंडेड टिश्यू प्रेजेंट, है वही चीज जिसको आप जनरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, एक्चुअली फर्मली अरेंज होता है वो। मोनोकॉट स्टेम है वो स्कैटर्ड हो गया है, तो टर्म जनरल कॉर्टेक्स वहां नहीं लगाते, वहां बोलते हैं हम लोग पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है ये पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर का, एक्चुअली जो जनरल कॉर्टेक्स है वो पैरेन्काइमेटस होता है और ग्राउंड टिश्यू होता है। बस इन डाइकॉट्स में हम यूज करेंगे टर्म के जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट, यहां लिखते हैं कि जनरल कॉर्टेक्स एब्सेंट इंस्टेड ऑफ दैट पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट, एक ही बात है लेकिन नाम का खेल है। चलिए जनरल कॉर्टेक्स के अंदर क्या आता है, एंडोडर्मिस, कहीं आपको एंडोडर्मिस दिख रही है। तो इन केसेस ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट में सब कुछ एब्सेंट ही होता है, इन केसेस ऑफ डाइकॉट आपको एंडोडर्मिस दिखेगी। डाइकॉट स्टेम में ये जो डायग्राम ये वाला दिख रहा है आपको, इन केसेस ऑफ डाइकॉट्स एंडोडर्मिस प्रेजेंट, एंडोडर्मिस है, मोनोकॉट स्टेम में देयर इज नो एंडोडर्मिस, स्कैटर वास्कुलर बंडल है, नो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस नहीं। एंडोडर्मिस के नीचे होती है पिथ, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे था पेरिसाइकिल। इन केसेस ऑफ डाइकॉट स्टेम यू विल फाइंड पेरिसाइकिल, आपको पेरिसाइकिल मिलेगी, मोनोकॉट स्टेम में कोई पेरिसाइकिल नहीं मिलेगी। लो जी एक और एब्सेंट, डाइकॉट स्टेम हैविंग कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ये जो येलो कलर से बना रखा है बेटा दिस इज कैम्बियम। इन केसेस ऑफ डाइकॉट स्टेम यू विल गेट कैम्बियम, मोनोकॉट में कहीं भी कैम्बियम नहीं होती है। क्लियर, एक ही डिफरेंस होगा, डिफरेंस ही डिफरेंस है। इन केसेस ऑफ डाइकॉट स्टेम पिथ, वेल डेवलप्ड पिथ विल बी देयर, आपको यहाँ पर वेल डेवलप्ड पिथ दिख रहा है,
parenchymatous in nature, the well developed pith is there, but in case of monocotyledon due to the scattered vascular bundle, there is no pith, yani pith nahi. ठीक है, तो बचा ही क्या नालायक के पास, कुछ भी नहीं है. आप देखो, in cases of monocotyledon, monocot के पास general cortex नहीं है, endodermis नहीं है, pericycle नहीं है, pith नहीं है, cambium नहीं है. ठीक, still they are more advanced one. ये ज्यादा एडवांस है डायकॉट से. हमने कहा था मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम गेन करना, लीस्ट थिंग्स होकर भी ये 50% मोर एफिशिएंट होते हैं डायकॉट से. क्लियर, जो भी फोटोसिंथेसिस चैप्टर में अदर थिंग में पढ़ लेंगे हम लोग. अभी बात हो गई आपकी, अब मैं बात कर रहा हूं उनके वास्कुलर बंडल्स की. वास्कुलर बंडल अगर हमने पढ़ा था पीछे वास्कुलर टिश्यूज में, बोथ हैविंग कंजॉइंट कोलेटरल, तो दोनों में कंजॉइंट कोलेटरल वास्कुलर बंडल आते हैं. यहां तक तो ओके, conjoint collateral vascular bundle present in monocots and dicots. Difference कहाँ आ रहा है? Due to the presence of cambium. तो dicot stem having conjoint collateral open, conjoint collateral open, यानी कि जो xylem और phloem के बीच में कौन present है? Cambium. Conjoint collateral open. Conjoint collateral open means to say their vascular bundle can perform further growth. Secondary growth perform कर सकते हैं. प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, बट इन केसेस ऑफ मोनोकॉट कैम्बियम इज नॉट देयर. सो देयर वास्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट कोलेटरल बट क्लोज, नो फर्दर ग्रोथ, नो फर्दर सेकेंडरी ग्रोथ. बात किया, कोई ग्रोथ नहीं होगी सेकेंडरी. तो कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, और एक और टर्म आपने यूज किया था कंजॉइंट बायकोलेटरल. कंजॉइंट बायकोलेटरल आल्सो यू कैन फाइंड हियर इन केस ऑफ सोलानेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली, वहां कंजॉइंट बायकोलेटरल ओपन तो हमेशा रहेगा क्योंकि कैम्बियम विल बी देयर. चलिए, तो आपका एक डिफरेंस इतना से क्लियर हो गया, डन और नॉट. यानी डिफरेंस वाली बात की तो मैंने कहा कि रूट पे तो कोई खास डिफरेंस थी ही नहीं, स्टेम में समहाउ आपको डिफरेंस मिल गए हैं. क्लियर, चलो इसी डिफरेंस को हम लोग टेबलाइज कर लेते हैं, टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं डिफरेंस को. आ जा जरा, अगर मैं टेबल फॉर्म में डिफरेंस ले लूं बेटा, तो टेबल फॉर्म में डिफरेंस एक ही डिफरेंस को हम बात कर ले जिसकी अभी जस्ट मैंने बात की थी. सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में मैंने कहा दोनों में सिंगल लेयर है, देयर इज नो पॉलम, ओनली ट्राइकोम का पंगा था. इन डायकोट स्टेम यू विल फाइंड ट्राइकोम, शूट हेयर होंगे, लेकिन यहाँ पर शूट हेयर आपको नहीं मिलेगा. ये आपके मल्टी सेलुलर शूट हेयर स्टेम इसमें नहीं होगा. हाइपोडर्मिस की मैंने बात की थी कि इन केसेस ऑफ डायकोट्स हाइपोडर्मिस कैसी है, कोलेंकाइमेटस, मोनोकॉट में कैसे होते हैं, स्क्लेरेंकाइमेटस. ठीक है, कॉर्टेक्स की बात कर ले तो डायकोट्स में कॉर्टेक्स अपर पार्ट हाइपोडर्मिस, लोअर पार्ट एंडोडर्मिस, बीच में जनरल कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, फूड स्टोरेज है, वाटर कंडक्शन है. वाइल्ड इन केस ऑफ मोनोकॉट नो जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स आपका एब्सेंट होगा, बस क्या होगा, पैरेन्काइमेटस ग्रांट टिश्यू, दैट ऑलरेडी आई टोल्ड यू. ठीक है, नेक्स्ट बात हो रही है आपकी एंडोडर्मिस, डायकोट्स में एंडोडर्मिस यू विल गेट, जिसको आप नाम यूज करते हैं स्टार्च शीथ, स्टार्च शीथ. तो एंडोडर्मिस मिलेगी डायकोट्स में, सिंगल लेयर विच इज यूजली नॉट वेल डिफरेंशिएट बट इसमें एब्सेंट, इस चीज को आगे रहा की. चलिए इसके आगे की बात कर ले हम, बात की मैंने पेरिसाइकिल, मैंने कहा था डायकोट स्टेम है चाहे मोनोकॉट स्टेम है, दोनों में ही अगर हम बात कर ले पेरिसाइकिल की, तो डायकोट्स में तो पेरिसाइकिल हो गई, मोनोकॉट्स में है ही नहीं, ओवरऑल एब्सेंट. मैक्सिमम चीजें मैंने कहा था मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है, तो मेडअप ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटा सेल्स और स्क्लेरेन्काइमेटा और बोथ. कैसे, देखिए जैसे हमने बात की कुकुरबिटेसी फैमिली है, सनफ्लावर फैमिली है, ए यानी डायकॉट्स में ही, तो समवेयर यू विल फाइंड कि जो एंडोडर्मिस होती है वो पेरेन्काइमेटस होती है. कैसे होती है, पेरेन्काइमेटस, बट सम प्लेस पे कैसे मिलाएंगे, वहां पर पेरेन्काइमा, फिर आपके आगे स्क्लेरेन्काइमा, फिर पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो इन द पेचिस फॉर्म. अच्छी जो पेरेन्काइमा दिख रही होती है एंडोडर्म आपके पेरिसाइकिल के बीच बीच में, वो आती है पिथ रेज सी, जो बीच का पिथ है ना वो बीच में आया था, पिथ कैसा होता, पेरेन्काइमेटस. तो स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा पिथ के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये मिल सकता है. मेडुलरी रिज भाई, इन केसेस ऑफ डायकोट स्टेम वेल डेवलप्ड पिथ इज देयर, पिथ है तो पिथ मूव कर जाता है आपके जाइलम फ्लोएम वास्कुलर टिश्यू के बीच में से, तो उसका नाम दिया था पिथ रेज, मेडुलरी रिज. बट इन केसेस ऑफ मोनोकॉट पिथ है ही नहीं, व्हेन देयर इज नो पिथ, पिथ रेज भी एब्सेंट हो जाएगा, डन और नॉट. फिर आगे बात पिथ, मैंने कहा था इन केसेस ऑफ डायकोट्स की अगर जो बात थी आपकी, तो डायकोट्स में जो पिथ है वेल डेवलप है, मोनोकॉट में ओवरऑल एब्सेंट. क्लियर और नॉट, तो इंस्टेड ऑफ पिथ दे कैन हैव अ पिथ कैविटी, इस चीज को ध्यान रखना.
क्लियर है ना बात? चलिए कोई बात नहीं, हम बात करते हैं लास्ट इसका जो डिफरेंस रह गया आपका वास्कुलर टिश्यू से, इसको आ जाए वास्कुलर टिश्यू से डिफरेंस बना लेते हैं। वास्कुलर टिश्यू में एज आई टोल्ड यू स्टेम है, कंजॉइंट कोलेटरल ये तो कॉमन है, कंजॉइंट है कोलेटरल, बट इन केस ऑफ डाइकॉट कंजॉइंट कोलेटरल कंजॉइंट बाइकोलेटरल, लेकिन दोनों ही ओपन, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन, मींस टू से कैम्बियम इज देयर टू परफॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ फर्दर ग्रोथ, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज कैम्बियम एब्सेंट नो फर्दर ग्रोथ। तो वन बाय वन वास्कुलर बंडल्स अरेंज इन रिंग, रिंग में प्रॉपरली अरेंज है। वास्कुलर बंडल कैसे अरेंज होते हैं? वास्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग, बट इन केसेस ऑफ मोनोकॉट स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल लिखते हैं। मोनोकॉट का जरा वास्कुलर बंडल दिखा रहा हूं, देन वी विल कम बैक। तो मोनोकॉट के वास्कुलर बंडल कैसा स्कैटर्ड, यू कैन सी है, ये देखो बिखरे हुए हैं। मोनोकॉट के वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स होते हैं, यहां बात बिखरी होती है, इसे बोलते हैं ए टैक्टो स्टील। क्या बोलते हैं? ए टैक्टो स्टील, ए टैक्टो स्टील है। देखिए डाइकॉट में यू स्टील दोनों है, यू स्टील यानी ट्रू वास्कुलर सिस्टम है, डाइकॉट मोनोकॉट दोनों ही यू स्टीलर सिस्टम है, दोनों में यू स्टील है, लेकिन मोनोकॉट शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है। ए टैक्टो स्टील वास्कुलर बंडल नॉट अरेंज इन रिंग्स, लेकिन इसी का आप डाइकॉट देखें, डाइकॉट का ये वाला डायग्राम देखो, वास्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग, वास्कुलर बंडल रिंग में अरेंजमेंट में है। ये सनफ्लावर का डायग्राम है जिसमें वेवी लहरदार एंडोडर्मिस दिख रही है आपको, ये जो एंडोडर्मिस है वो कैसी है, लहरदार, वेवी एंडोडर्मिस इज देयर। तो वास्कुलर बंडल जो होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, इन अ रिंग। लेकिन जो मोनोकॉट्स है, मोनोकॉट्स ऑफ वास्कुलर बंडल कैसे अरेंज होता है, स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल। क्लियर है ना जी? चलिए तो हम लोग वापस चलते हैं अपने, आ जा। तो हमने बात की वास्कुलर बंडल्स में, वास्कुलर बंडल इसके रिंग में अरेंज है, इसमें स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल है। कैसा वास्कुलर बंडल था? कंजॉइंट कोलेटरल या कंजॉइंट बाइकोलेटरल बट ओपन। कंजॉइंट आपके कैसे होगा, आपके कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन, और इसमें कैसे होंगे, क्लोज्ड। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ओके। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर यूनिफॉर्म इन साइज, ये लगभग लगभग एक से साइज की होती है, जबकि अगर मोनोकॉट्स की बात करें तो इसमें छोटे बड़े होंगे। इसके जो वास्कुलर बंडल होते हैं, लार्जर टुवर्ड द सेंटर एंड स्मॉलर टुवर्ड आउटसाइड, ठीक, सेंटर की ओर जो वास्कुलर बंडल है बड़े हो रहे हैं, और आउटसाइड की ओर कैसे होते आ रहे हैं, छोटे होते आ रहे हैं, उनको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके हम साइज की बात करें, वेड शेप, वेड्स, तो वेड शेप होते हैं इसकी, इसमें ओवल मिलेंगे आपको, ठीक है। बंडल सीथ इन केसेस ऑफ डाइकॉट स्टेम, आप इस चीज ध्यान रखें, एक मैंने टर्म यूज किया था आपको आपके स्टार्च सीथ, और यहां पर ये टर्म यूज कर रहा हूं मैं बंडल सीथ, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग। स्टार्च सीथ टर्म वी आर यूजिंग फॉर एंडोडर्मिस, स्टार्च सीथ टर्म वी आर यूजिंग फॉर एंडोडर्मिस विच इज प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। यहां मैं बात कर रहा हूं बंडल सीथ, तो बंडल सीथ जो होती है दिस इज एब्सेंट इन डाइकॉट स्टेम बट प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में बंडल सीथ यहां प्रेजेंट होती है और इसमें एब्सेंट होती है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना है स्टार्च सीथ में और बंडल सीथ में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई आई जस्ट इन्फॉर्म्ड यू। चलिए वेसल्स जो है अरेंज इन रोज, अब वेसल्स का जो आपने डायग्राम्स वगैरह आपने देखी थी, इसके वेसल्स कैसे अरेंज थे आपके, वेसल्स अरेंज है रोज में, लाइंस वाइज अरेंज है, और इसमें आप वेसल्स देखो, तो वेसल्स अरेंज इन वी और वाई शेप मैनर, मतलब मोनोकॉट्स के जो वेसल्स है वो कैसे अरेंज है, वी शेप में और वाई आपके वाई, तो आपके अल्फाबेट से वाई वेसल्स का डायग्राम में देखो जरा इस चीज को, यहाँ देखेंगे। अगर मैं क्या करूं, ये बड़ा जो बड़े साइज के दिख रहा है इन्हें है, ये है मेटाजाइलम, और जो छोटे साइज के ये है आपके प्रोटोजाइलम। तो अगर मेटाजाइलम को प्रोटोजाइलम से ऐसे फ्यूज करवा दूं तो ये कैसा शेप बनाते हैं, वी से, कैसा शेप बन रहा है, वी। मेटाजाइलम को मैंने प्रोटोजाइलम से ऐसे फ्यूज करवा दिया तो ये कैसा हो गया आपका, वी से, ठीक है। लेकिन इसी तो यहाँ तो वी बन रहा है, लेकिन इस वाले डायग्राम में देखो, इसमें एक नीचे भी प्रोटोजाइलम दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं। तो अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये डायग्राम कैसा बन गया, वाई से, ये हो गया वाई से, कैसे, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम ये वाई शेप स्ट्रक्चर और यहां पर वी शेप स्ट्रक्चर। तो इन केसेस ऑफ ए मोनोकॉट यू कैन फाइंड देयर वास्कुलर बंडल जाइलम जो है कैसे अरेंज है बेटा, आपके वी शेप और
वाई से।